नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की आने वाली फिल्म थलाइवी के ट्रेलर को लेकर। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील है, हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको बाय मी ए कॉफ़ी का एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और कॉफ़ी खरीदें। पिक्चर प्लस की मदद के लिए कॉफ़ी ही काफ़ी है। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म थलाइवी की। इस फिल्म में कंगना रनौत ने मुख्य भूमिका निभाई है और यह फिल्म तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है और यह ट्रेलर करीब 3.5 मिनट का है। इस ट्रेलर को देखने के बाद जयललिता की जिंदगी के कई सारे पहलुओं के रंग देखने को मिलते हैं और उन सभी रंगों को खास तेवर में कंगना रनौत निभाती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे थलाइवी में करीब करीब 40-50 साल की कहानी दिखाई गई है और इसके जरिए जयललिता की जिंदगी के शुरुआती दौर से लेकर आखिरी दौर तक की कहानी दिखाई गई है। जाहिर है, इसके चलते कहानी का बहुत ही रोचक पक्ष भी सामने आया है। जब जयललिता फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी, उनके जीवन का सफर सिनेमा से सियासत की ओर हुआ था, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने सिनेमा में कदम रखा, तब उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने किस तरह के किरदार निभाए थे और उनकी ज़िंदगी के कैसे कैसे समीकरण बनते गए, और जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तब उन्हें किस प्रकार की मुश्किलों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था, इन सभी रंगों और चित्रों को दिखाने के क्रम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इस ट्रेलर में देखने को मिलती हैं जिसे आज के दर्शक बहुत ही रुचि से देखना चाहेंगे। मसलन, इसमें ब्लैक एंड वाइट शॉट भी रखे गए हैं। मसलन, इसमें कंगना रनौत का जो लुक और गेटअप दिया गया है वह रेट्रो की फीलिंग देता है। बाद में जब जयललिता राजनीति की दुनिया में जाती हैं तो उनकी पोशाक और उनकी जीवन शैली, उनके बोलने चलने का अंदाज बदल जाता है। इन चीज़ों को भी कंगना रनौत ने पूरे तेवर के साथ अपनाने का प्रयास किया है। यानी आज के दर्शकों को, खासतौर पे हिंदी के दर्शकों को, उन सारी चीज़ों का आनंद इसमें मिलेगा जो पहले की फिल्मों में उन्होंने देखा था। इसमें दक्षिण भारतीय क्लासिकल डांस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 80 के दशक में आमतौर पर जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्मों में देखा जाता था। यानी आज के जो हिंदी फिल्म के दर्शक हैं उन्हें बहुत कुछ अलग भी देखने को मिलेगा। इसलिए जयललिता की पूरी कहानी दर्शाने वाली यह फिल्म बहुत ही सिनेमैटिक भी होगी। यह फिल्म कंगना रनौत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, क्योंकि कंगना रनौत की जिस तरह की पर्सनालिटी फिल्म इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश हो चुकी है और उसकी फिल्मों पर अगर नज़र डालें तो हमें क्वीन जैसी फिल्म दिखाई देती है, पंगा जैसी फिल्म दिखाई देती है, मणिकर्णिका जैसी फिल्म दिखाई देती है, और ये सभी फिल्में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। और इन सभी किरदारों को कंगना ने बहुत ही तेवर के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ निभाया था। जयललिता की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कंगना ने उस किरदार को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया होगा जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो और अहम विस्तार से देख सकेंगे। एक ख़ास बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, वो ये, यह फिल्म कंगना के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि कंगना ने जिस किरदार को निभाया है वह किरदार सिनेमा से सियासत की ओर जाने वाला किरदार रहा है। और कंगना भी एक चर्चित फिल्म अभिनेत्री हैं। हालांकि कंगना ने अभी सियासी पारी अपनी कोई शुरू नहीं की है,
लेकिन कंगना ने हाल फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, उसके जरिए कंगना ने सियासी बिसात जरूर बिछा दी है। आने वाले समय में हो सकता है कंगना अगर सियासत में जाती है तो कंगना की यह फिल्म और उनकी पहले की फिल्में उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कॉफ़ी याद है ना, क्योंकि पिक्चर प्लस की मदद के लिए कॉफ़ी ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार।